न्यूज़ लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लीडर्स और मैं हूं आपके साथ जफर अशरफी। बड़वानी जिले के मौसम में काफी बदलाव आ चुका है। जी हां, और अगर आपको मौसम के बदलाव को अगर आपको देखना है तो सुबह और शाम के नजारे में आपको अपने चारों ओर सिर्फ और सिर्फ कोहरा ही दिखाई देगा। जी हां, हम आपको जिले की वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसे देखकर आप कहेंगे कि बड़वानी जिले में ऐसा मौसम हो ही नहीं सकता। खेतों के ऊपर ऐसा लग रहा है कि बस अब आगे कुछ और नहीं है, बस आगे बादल ही बादल है। सेंधवा में गोई नदी के ऊपर कोहरा ऐसा छाया है कि कुछ दिखाई ही नहीं दिया जा रहा है। वहीं रात के समय में तो शहर के बीचों बीच ऐसी धुंध और कोहरा छाया हुआ होता है कि कुछ दिखाई देने को पता ही नहीं चलता है। वहीं आपको ग्रामीण इलाकों की सुंदर तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिसमें आप देख रहे होंगे कि ये कहीं और जगह का है, बड़वानी का ऐसा हो ही नहीं सकता। इसी तरह कोहरे के साथ ठंड का भी काफी बड़वानी जिले में असर दिख रहा है। ठंड भी काफी है और ठंडी हवाओं के साथ भी कोहरे की धुंध चल रही है। शाम के वक्त तो कोहरा ऐसा छाया हुआ होता है कि रात में कुछ दिखाई ही नहीं देता है। वही खबर अब बड़वानी से है जहां कलेक्टर बड़वानी ने रणजीत क्लब मामले में नोटिस थमा दिया है। वैधानिकता के कागजात मांगे गए हैं। आपको बता दें कि रणजीत क्लब रियासतकालीन क्लब है जो बड़वानी के राजा के नाम से स्थापित है। इस क्लब की खेल गतिविधियों ने कई राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी दिए हैं, लेकिन क्लब की मेंबरशिप प्राप्त करना काफी कठिन होता था और जिसके पास मेंबरशिप होती थी वो व्यक्ति बड़वानी का महत्वपूर्ण व्यक्ति कहलाता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में अपनी खो चुकी पहचान को लेकर काफी विवादों में रहा है। एसपी निमेश ने यहां पर छापेमार कार्रवाई कर जुआरियों को पकड़ा है, इसीलिए ये विवादों में है। और आइए सुनते हैं कि बड़वानी कलेक्टर क्या कह रहे हैं इस बारे में। वर्तमान जो हमारे पास अभिलेख उपलब्ध हैं उसके अनुसार वो पूरी जमीन शासकीय है। उसका पूरा रंजीत क्लब की जो परिसर है वो एक हेक्टेयर जमीन में है। उसमें अनेक व्यावसायिक गतिविधियां रंजीत क्लब के द्वारा संचालित की जा रही हैं। आज की स्थिति में उनके पास में कोई उसका वैध दस्तावेज नहीं है। अभी भी वो हमारे सरकारी संपत्ति है। हमने उनको नोटिस दिया हुआ है कि आप अपना एक जवाब पेश करें, क्यों ना आपकी भूमि को शासनिक कब्जे में लिया जाए। अभी उनका जवाब आएगा, उसमें हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। और चूँकि वर्तमान जो गाइडलाइन है कलेक्टर की गाइडलाइन है उसके अनुसार उसकी लगभग 75 करोड़ की कीमत बनती है, तो उनका जवाब क्या आता है जवाब के बाद में हम उस पर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। अभी तो केवल नोटिस दिया हुआ है कि आपके पास में कोई भी दस्तावेज यदि वैधानिक दस्तावेज हो तो हमारे पास पेश करेगा। कोई भी सरकारी प्रॉपर्टी यदि लेना चाहते हैं तो उसमें नई जो शासन ने गाइडलाइन जारी की हुई है वर्ष 2020 में नजूल नियम, उसमें ये प्रावधान है कि कोई व्यक्ति यदि कोई हमारी शासकीय प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठा हुआ है तो वर्तमान दर से यदि उसका प्रीमियम जमा करता है तो उस पर विचार किया जा सकता है। तो अभी के हिसाब से उसका जो कीमत है करीब 75 करोड़ रुपये उसकी बनती है। यदि वो उस पैसा जमा करने को सहमत हों तो हम आगे उस पर कार्रवाई करेंगे। वही अब बात करते हैं बड़वानी जिले के कोरोना बुलेटिन का। जी हाँ, बड़वानी जिले में आज 6 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। आंकड़ा बढ़कर 2809 पहुंच चुका है। वहीं 2708 लोगों का अब तक उपचार हो चुका है। वहीं 74 लोगों का उपचार बड़वानी, सेंधवा और इंदौर के अस्पतालों में चल रहा है। वहीं 27 लोगों की अब तक पूरे जिले में मौत हो चुकी है। आज कुल 6 लोग कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जिसमें चकेरी से 1, अंजड़ से 1, बड़वानी से 2, रनगांव से 1 और नागलवाड़ी से 1 व्यक्ति की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। तो बने रहिए न्यूज़ लीडर्स के साथ।